गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। देखिए, जो हम दूसरा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उस कहने का मतलब बेटा ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो ये चलेगा कि महाजनपदों में जो शक्तिशाली जनपद है पहला मगध, तो जो मगध महाजनपद है वो शक्तिशाली कैसे बन गया, क्या कारण थे कि मगध जो महाजनपद था वो शक्तिशाली था, तो उसके बारे में मैंने आपको तीन तो लिखवा दिए थे। कौन कौन से तीन लिखवा दिए थे बेटा बताइए? उपजाऊ भूमि जिससे यहाँ अच्छी फसल होती थी। हाँ, यानी कि एक चीज याद रखना बेटा, लिखते रहना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि मगध महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद था, बताइए कारण बताइए। तो सबसे पहला था यहाँ पर क्या है, उपजाऊ भूमि, और उपजाऊ भूमि है तो जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा मैंने क्या बताया था, यहाँ पर किसकी खादान है? लोहे की। लोहे की, लोहे की खादान हो गई। अब लोहे की खान है तो लोहे की खान होने की वजह से लोहे की क्या बनने लग गए, औजार और हथियार, तीन लिख लिए ना, तीन लिख लिए बेटा तीन भाई, एक तो भूमि yes, sir. लोहे की खादान और औजार और हथियार, तीन हो गए। अब चौथा लिखो, चौथा है बेटा यहां पर जो जंगल थे, यहां पर जो जंगल थे वहां पर जंगलों में हाथी उपलब्ध होना, चौथा लिख लीजिए बेटा, यहाँ के जो जंगल थे उनमें जो थे हाथी वो क्या है, उपलब्ध थे। अब आपको पता है कि पहले के जमाने में जब युद्ध होता था, सेनाओं के बीच में युद्ध होता था, तो कुछ सवार तो किसके ऊपर रहते थे, घोड़ों के ऊपर, और कुछ सवार हाथियों के ऊपर, हाथी के ऊपर बैठा हुआ सवार सुरक्षित रहता था। तो जो मगध था वहां पर क्या है, जंगल थे और जंगलों में क्या थे, हाथी उपलब्ध थे। तो इन हाथी उपलब्ध होने की वजह से जो पांचवा पॉइंट आपके यहां बनता है वो आपके बनता है कि सेना में हाथियों को शामिल किया जाता था, सेना में हाथियों को शामिल किया जाता था। मेरा पांचवा हो गया भाई, तीसरा तो चौथा तो था जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, और जब हाथी उपलब्ध थे तो जो सेना थी उसमें क्या है, इन हाथियों को क्या किया जाता था, शामिल किया जाता था, युद्ध के समय में इन हाथियों को क्या है, काम में लिया जाता था। ठीक है, छठा है, अब देख लीजिए मैं आपको बता दूं, मगध बिहार, आपके बिहार मान लीजिए, उत्तर प्रदेश मान लीजिए, ये ऐसी जगह है जहां पर आज भी बहुत ज्यादा नहरें और नदियां हैं, आज भी, तो आज से पहले भी यहां पर क्या है, नदी और नहरें थी। अब देख लीजिए उनका उपयोग क्या है, छठा आप लिख लीजिए कि यहां पर क्या है, गंगा और उसकी जो उपनदियां हैं, गंगा और उसकी उपनदियों, यानी कि गंगा और उसकी उपनदियों से आने जाने का रास्ता आसान और सस्ता था, आने जाने का रास्ता आसान और सस्ता था। यह बेटा छठा लिख लीजिए आप, छठा यह कहता है कि मगध जहां स्थित है वहां पर क्या है, गंगा नदी और गंगा की जो सहायक नदियां है, उपनदियां इसकी, वो क्या है, यहां से गुजरती थी। अब पहले परिवहन के साधन तो थे नहीं, जो यातायात हो सकता था कि वो नाव के द्वारा या जलमार्ग के द्वारा होता था, तो इससे क्या है, यहां पर गंगा नदी और उसकी जो उपनदियां थी, सहायक नदियां,
उसकी वजह से मगध में आराम से आने जाने का जो रास्ता था वो क्या हो जाता था, आसान और जलमार्ग अन्य की तुलना में क्या होता था, सस्ता भी होता था। छठा लिख लीजिए बेटा कि गंगा और उसकी उपनदियों से आने जाने का जो रास्ता है वो आसान और सस्ता था। लिख लिए बेटा? यस सर। नेक्स्ट लिख लीजिए बेटा सातवां कि ये जो मगध है वो प्राकृतिक रूप से भी क्या था, सुरक्षित था। यानी प्राकृतिक बनावट चाहे जंगलों की मान लीजिए या पहाड़ों की मान लीजिए, उसकी वजह से भी ये जो मगध का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक रूप से भी क्या था, सुरक्षित था। यानी इस प्रकार से था कि भारी कोई अगर आक्रमण करे तो वह आसानी से यहां पर आक्रमण नहीं कर सकता था। आठवां है मगध में योग्य और शक्तिशाली शासक थे। ये लीजिए आठवां लिख लीजिए, मगध में योग्य तथा शक्तिशाली शासक थे। मगध में योग्य तथा शक्तिशाली शासक थे। अब एक ये किसी भी जगह का राजा अगर शक्तिशाली है या अच्छा शासक है तो वो अपने राज्य या साम्राज्य को अच्छी ढंग से चला सकता है। तो मगध अगर शक्तिशाली बना तो उसके पीछे सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि मगध के जो भी राजा हुए वो क्या थे, एक प्रकार से योग्य थे और शक्तिशाली थे। कोई भी टीम अच्छा वर्क कब करती है, जब उसका जो कैप्टन है वो योग्य हो। योग्य को अगर कार्यभार देते हैं तो वो कार्य को निसंदेह सफल करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब था कि जो मगध शक्तिशाली था उसका जो आखिरी जो शक्तिशाली का होने का कारण था आखिरी आठवां वो यही था कि मगध के जो राजा या शासक जो भी हुए वो एक प्रकार से क्या थे, अपने आप में योग्यता रखते थे और एक प्रकार से क्या थे, वो शक्तिशाली शासक थे। ये आठ पॉइंट हो गए कि मगध के शक्तिशाली होने के कारण बताइए। मगध के शक्तिशाली होने के कारण बताइए। तो आपको तीन तो मैंने कल लिखवा दिए थे भाई, उपजाऊ भूमि है, लोहे की खान है, लोहे की खान है तो उससे औजार और हथियार बना लिया, तीन तो वो हो गए। चौथा है यहाँ के जंगलों में क्या है, हाथी। ठीक है, अब हाथी हो गया तो सेना में क्या है, हाथियों को काम में लिया जाता था, शामिल किया जाता था, पांचवा हो गया। छठा है यहाँ पर गंगा और उसकी जो उपनदियां या सहायक नदियां है उससे क्या है, आने जाने का जो रास्ता है वो क्या हो गया, आसान और सस्ता। छठा हो गया। यह जो मगध का क्षेत्र है वो प्राकृतिक रूप से क्या है, एक प्रकार से सुरक्षित है। ठीक है, और आठवां क्या है कि जो मगध में जो राजा थे या शासक थे वो एक प्रकार से क्या थे, योग्य और शक्तिशाली शासक थे। लिख लीजिए बेटा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि शासक, अब उन शासकों का नाम भी जान लेते हैं जो एक्चुअल में मगध में कौन कौन से योग्य और शक्तिशाली शासकों का इसमें नाम दिया गया है। अब जैसे इसमें आप उदाहरण देख लीजिए शासकों का, उदाहरण यानी कौन कौन से ऐसे शासक थे जो योग्य थे और शक्तिशाली थे। एक था बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, यानी कि मगध के जो प्रमुख योग्य और शक्तिशाली शासकों के बारे में जान रहे हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, अजातशत्रु। यानी कि पहला हो गया आपके बिंबिसार, दूसरा हो गया आपके अजातशत्रु और तीसरा आपके जो है वो है महापद्मनंद, महापद्मनंद, महा
पदम नंद, महापदम नंद। और इन तीनों की बेहतर नीतियों के कारण मगध समृद्ध समृद्ध राज्य था या समृद्ध साम्राज्य था। ये लीजिए भाई, ये हो गया यहां पर कि कहने का मतलब मगध के जो योग्य और शक्तिशाली शासकों का नाम अगर जाना जाए तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। महापद्मनंद के बारे में मैंने बताया था आपको, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। अंतिम शासक कौन था? धनानंद। उसको हरा दिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये जो महापद्मनंद है वो क्या है? नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो ये तीन ऐसे राजा थे जो शक्तिशाली और योग्य शासक थे, जिसकी वजह से मगध अपने आप में एक शक्तिशाली महाजनपदों में गिना जाता था। और इनकी बेहतर नीतियां, इनकी बेहतर नीतियों के कारण मगध क्या था? एक प्रकार से समृद्ध साम्राज्य था। लिख लिया था? यस सर। मिटा दूं? भाई जिसने नहीं लिखा वो बोल दे। सबने लिख लिया ना? ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूं, नीचे का लिख लेना बेटा जिसने नहीं लिखा है, फिर और मिटा देंगे। अब देखिए यहां पर ये कंप्लीट हो गया। मगध के बारे में हम जान रहे थे, शुरुआत जब प्रारंभ हुआ इस मगध का, तो प्रारंभ में यानी कि मगध का जो प्रारंभिक शासन काल था, तो प्रारंभ में जो मगध की राजधानी थी वो थी आपकी राजगाह है। राजगाह है, याद रखेंगे कि प्रारंभ में यानी पहले जो मगध था उसकी राजधानी क्या थी? राजगाह है। राजगाह है राजधानी, ये लिख लीजिए राजधानी। इसकी मगध की यानी मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो क्या थी? आपके राजगाह है। और जो राजगाह है उसका अर्थ होता है राजाओं का घर। राजाओं का घर यानी कि राजगाह से क्या तात्पर्य है? राजाओं का घर। तो प्रारंभिक जो मगध था, मगध जो प्रारंभिक मगध था उसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगाह है। ठीक है, और राजगाह का अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर। अब राजगाह है तो पुराना नाम था, ये जो राजगाह है ना वो पुराना नाम है। अभी वर्तमान में जो आपके बिहार है उसमें एक जगह है राजगीर, यानी कि बिहार वर्तमान में एक जगह है राजगीर। ठीक है, तो इस राजगीर का प्राकृत नाम यानी पुराना सबसे ज्यादा बोले जाने वाला नाम कौन सा है? राजगाह है। याद रखेंगे बेटा कि पहली राजधानी राजगाह है थी। ठीक है, वर्तमान राजगीर है, ये राजगाह है जो वर्तमान का राजगीर है। और इसको राजगाह क्यों? क्योंकि इस राजगीर का जो प्राकृत नाम था पुराना, जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला नाम था, वो क्या था? राजगाह है। यही राजगाह आगे चलकर क्या बन गया? राजगीर। लिख लिया बेटा? भाई ये राजगीर हो गया। अब ये प्रारंभिक राजधानी है तो इसका मतलब दो राजधानी होगी। सीधी सी बात है कि जब प्रारंभिक राजधानी राजगाह है तो यहां पर एक चीज होगी कि बाद में और कोई नई राजधानी बनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी
ईसा पूर्व इसकी जो राजधानी हो गई वो हो गई आपके पाटली पुत्र, यानी कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जो मगध की राजधानी हुई वो क्या हो गई, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र क्या है वर्तमान का, पटना। शाबाश, पटना बिहार की राजधानी है पटना, यानी कि जो पटना है वर्तमान का उसका पहले नाम क्या था, पाटलिपुत्र। याद रखेंगे राजगीर का पुराना नाम राजगा है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, यानी पहली राजधानी मगध की क्या थी, राजगा है। और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सी हो गई, पाटलिपुत्र। ये यहां तक आपको याद रखना है बेटा, लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? यस सर। किसी को कोई बेटा किसी टॉपिक में दिक्कत आए कंसल्ट कर सकता है, मेरे से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हर चीज को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कोई भी दिक्कत हो आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ नहीं कर सकते तो अपना जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं, सर हमारा ये टॉपिक है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। वहां नहीं कर सकते हैं तो मेरे वहां नंबर है, वहां से आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक सर समझ में नहीं आ रहा था, आप कल दोबारा समझा दीजिए, या आप मुझे इस चीज का जो लिंक है भाई इस चीज को कैसे समझे वो चीज आप बता दीजिए बेटा। ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। मिटा दूं ना पूरा? यस सर। अब देखिए ये मगध पूरा हो गया बेटा, ये लो मगध को खत्म कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत यहां तक बेटा? मगध तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? नो सर। ठीक है, अब नया टॉपिक लेते हैं अपन, मगध हो गया, अब अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शासन मौर्य साम्राज्य। लिख लीजिए आप मौर्य साम्राज्य, ये लीजिए मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको। मौर्य साम्राज्य, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि मौर्य साम्राज्य का जो एक शासन का काल था कि किस समय से किस समय तक ये शासन रहा, तो मैंने आपको लिखवाया था 321 से 185 बीसी, और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में लिख लीजिए आप 321 से 185 ईसा पूर्व, किसी किताबों में 322 भी दे रखा है, इस चीज का भी उल्लेख मैंने आपको सबसे पहले किया था कि कुछ किताबों में 322 है लेकिन अपन जो एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है वो आपको 321 ही बता रखा है, तो उसमें आप 321 पे जाएंगे, 321 से 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का शासनकाल। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, आप ऐसे एरो लगा के लिख सकते हैं कि नंदवंश के शासक घनानंद को परास्त कर, नंदवंश के शासक घनानंद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, यानी कि टॉपिक क्या हो गया कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, तो उसमें आप डाल देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद उसको क्या किया, युद्ध में हरा दिया, और इसको युद्ध में हराकर नंदवंश की तो क्या हो गई, समाप्ति, और इसके साथ
चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य है, इस मौर्य साम्राज्य की क्या हो गई, स्थापना हो गई। ठीक है, आप समझिए। और एक चीज मैंने और बताई थी कि घनानंद को हराने के पीछे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या उद्देश्य था, कि इसने क्या किया था कि जो इसका गुरु था, इसका गुरु या इसके प्रधानमंत्री चाणक्य, उसका क्या किया था, अपमान। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए इसने घनानंद को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। तो इसमें आप एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, कि चंद्रगुप्त की सहायता गुरु चाणक्य। अब देखिए, चाणक्य जो है उनको किस किस नाम से जानते हैं, एक तो आपके विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य, ये लीजिए। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता गुरु चाणक्य, और चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो आप ये लिख देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता गुरु चाणक्य ने की थी, बस। क्योंकि ये बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, कूटनीतिज्ञ कह सकते हैं, अच्छा परामर्शदाता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर लिख लीजिए आप। अब यहां पर एक नाम आया बेटा, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, एक ही चीज है। इस व्यक्ति ने, कौटिल्य या चाणक्य ने, एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा। ये लो, हो गया एक और पॉइंट। सीरियल से चल रहा है भाई, जिसका नाम आया उसके बारे में लिख दिया। यानी कि अर्थशास्त्र किसकी करती है बेटा, कौटिल्य की, चाणक्य की। हाँ, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, चाणक्य या फिर कह सकते हैं विष्णुगुप्त के द्वारा की गई। लिख लिए बेटा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य में। अब हमें जानना है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका विस्तार कहां तक है। अब इसका विस्तार लिख लीजिए आप, मौर्य साम्राज्य का विस्तार, कि कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। जैसे अपन देखते हैं भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप ये कहेंगे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में मरुस्थल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ऐसे हम विस्तार बताते हैं। तो वैसे ही जो मौर्य साम्राज्य है उसका जो विस्तार बताया गया है, वो बताया गया आपके पश्चिमोत्तर। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार है वो पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान, यानी कि पश्चिम दिशा में आप चले जाइए, वहां पर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, यानी मगध बिहार में तो आई गया भाई, बिहार में तो है ही ना, बिहार की तो टेंशन नहीं है, भारत में तो है ही। लेकिन अगर दूरी की बात करें, पश्चिम और उत्तर, पश्चिमोत्तर का मतलब क्या होता है, पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम दिशा, जैसे ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, तो इन दोनों दिशाओं के बीच में जो आपके अफगानिस्तान और बलूचिस्तान है, वहां तक ये इस साम्राज्य का क्या था, विस्तार था। यानी कि कहां से लेकर, मगध, पाटलिपुत्र, यानी मगध से लेकर इसका जो विस्तार था वो कहां तक था, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इसका क्या था,
साम्राज्य विस्तार था। हो गया बेटा? यस यस सर, लिख लिया ना ये चीजें? अब एक चीज और आप लिख सकते हैं थोड़ा सा इसमें, जैसे हालांकि वो चीज अपन आगे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा पहले लिख लीजिए आप। क्या लिखेंगे आप? नोट लिख लीजिए आप बेटा, नोट। नोट में आप लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पौत्र, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर उसके बाद में अशोक। तो यानी कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो पौत्र थे अशोक, जिन्हें लिख लीजिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक जिन्हें आरंभिक भारत का, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है। नोट, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, क्योंकि अशोक महान शासक था। सम्राट अशोक, अशोक महान, महान क्यों लगा? क्योंकि एक्चुअल में ये एक प्रकार से महान शासक था, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की अगर प्रगति विकास अगर कहीं कुछ हुआ है आगे चलकर, तो सम्राट अशोक के काल में ही हुआ है, ठीक है। इसीलिए अशोक को महान का दर्जा दिया है। तो ये इसमें भी बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पौत्र थे सम्राट अशोक, उनको आरंभिक भारत, जो प्रारंभ का जो भारत था, उसका क्या है? सर्व प्रसिद्ध शासक माना गया है, ठीक है। अब अशोक ने क्या किया था, कहां पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने, बता सकता है कोई? कलिंग पर। कलिंग, और कलिंग वर्तमान कलिंग का है भाई। सम्राट अशोक ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी कलिंग विजय, लेकिन इतना भीषण नरसंहार हो गया था, इतने लोग मर गए थे कि इसका मन विचलित हो गया था, और इसने क्या है, युद्ध त्याग दिया था, और यह कह दिया था कि अब मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। यह इसकी अंतिम विजय थी सम्राट अशोक की, ठीक है। यानी कि आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक कह सकते हैं, सर्वप्रसिद्ध शासक कह सकते हैं, ठीक है, जिसने किसके ऊपर विजय प्राप्त की? कलिंग के ऊपर। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि कलिंग वर्तमान में कौन सी जगह है? उड़ीसा। शाबाश, उड़ीसा। यानी कि वर्तमान का जो उड़ीसा है वो उस समय का क्या था? कलिंग। अब आप देख लीजिए उड़ीसा किधर है, बिहार से आक्रमण करता हुआ आया ये पाटलिपुत्र मगध से, और कहां चला गया था? कलिंग। और यहां जब युद्ध हुआ तो भीषण युद्ध में इसका मन विचलित हो गया, लोगों को मरता देखकर, दुखी देखकर, तो इसी समय उसने क्या है, युद्ध त्याग करने की घोषणा कर दी थी अशोक ने। बेटा मिटा दूं? अब देख लेते हैं, लिख लीजिए मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, या ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनको पढ़ने पर या जिनका पता लगाने पर हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य की। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए, कि किन किन स्रोतों से हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी जुटा सकते हैं, या हमें जानकारी वहां की प्राप्त होती है। तो अब सबसे पहले आप लिख लीजिए इसमें
साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत यानी जितने भी जो साहित्य लिखे गए हैं उनसे जहां जहां इन मौर्य साम्राज्य की जानकारी है, इस प्रकार के कई साहित्यिक स्रोत हैं, उनसे हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी जुटा सकते हैं। दूसरा है आपके पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पहला तो हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा हो गया आपके पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद में हो गया जैन व बौद्ध साहित्य, बौद्ध व जैन साहित्य, बौद्ध व जैन साहित्य यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो साहित्य लिखे गए हैं उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के शासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, उस समय के भवन, उस समय के भवन स्तूप यानी कि जैन बौद्ध साहित्य, उस समय के जो भवन है वो, और उसके बाद में स्तूप। अब कुछ साहित्य का नाम भी मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इंडिका। ठीक है, अर्थशास्त्र से भी हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी लेते हैं, जो इंडिका नाम की एक पुस्तक है उससे भी हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी लेते हैं। इसके बाद में हो गई अन्य इमारतें, इमारतें। ठीक है, अन्य इस समय की क्या थी, इमारतें, गुफाएं, गुफाएं, मृदभांड यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन। मृदभांड के बाद में आप क्या जाता है, पुराण, ये भी एक प्रकार का साहित्य हो सकता है, पुराण। एक साहित्य और आ गया मुद्रा राक्षस, मुद्रा, पुराण, मुद्रा राक्षस। कई प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखे जा चुके थे छठी से चौथी शताब्दी के बीच में, मैं बता चुका हूं आपको, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अभिलेख, अभिलेख के बारे में आपको बता चुका हूं कि अभिलेख क्या है, अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख। ठीक है, यानी कि अभिलेख तो अन्य, कई तो अन्य अभिलेख होते हैं, और एक ऐसे अभिलेख थे जो किसके द्वारा लिखे गए थे, अशोक के द्वारा, जिनसे भी हम इस मौर्य साम्राज्य का पता लगा लेते हैं। मूर्तिकला आदि कई ऐसे स्रोत हैं जिनसे हम मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी जुटा सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया यहां पर। साहित्यिक स्रोत, साहित्य जो लिखे गए हैं, किताबें, ठीक है, पुरातात्विक जो वस्तुएं मिली है, पुरातात्विक चीजें उनसे, बौद्ध व जैन साहित्य, आपके भवन, स्तूप, किताब है अर्थशास्त्र उससे भी इसका पता लगता है, इंडिका, अन्य इमारतें, गुफाएं, मृदभांड, पुराण, मुद्रा राक्षस, ब्राह्मण ग्रंथ, अभिलेख, अशोक के अभिलेख और मूर्ति कला, ये यहां पर हो गया। अब सीधी सी बात है, तीन किताबों के नाम यहां पर आ रहे हैं बेटा। एक तो आ रहा है आपके अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बता दिया था ना, इसके रचयिता कौन थे, कौटिल्य या फिर चाणक्य। एक किताब है इंडिका, इसके रचयिता कौन थे, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, याद रखेंगे, इंडिका के रचयिता मेगस्थनीज, याद रखेंगे मेगस्थनीज। और एक और आ रहा है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के रचयिता थे विशाख दत्त, विशाख दत्त, याद रखेंगे, कल लिखवा दूंगा मैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, इंडिका के मेगस्थनीज और अर्थशास्त्र के कौटिल्य चाणक्य, मैंने बता दिया था बेटा। टाइम आउट हो चुका है, आप सब लेफ्ट हो जाइए बेटा, लेफ्ट हो जाइए बेटा, सब लीव हो जाइए, लीव जाओ बेटा, लीव।